भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु मिसाइलों की वो जंग छिड़ गई है जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ी इस परमाणु जंग के बीच में चाइना को कूदना महंगा पड़ गया और अमेरिका ने चाइना को वो झटका दिया है जिसे चाइना कई सालों तक नहीं भूल पाएगा। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ क्या परमाणु साजिश रची है और आखिर अमेरिका ने चाइना पर हमला क्यों किया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिसाइल अवे, मिसाइल अवे। दरअसल आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में भारत और पाकिस्तान ने अंधाधुंध मिसाइल परीक्षण किए हैं, लेकिन भिखारी पाकिस्तान के हाथ में तीन परमाणु मिसाइलों के दागने के बाद भी कुछ नहीं लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के पहले तो मिसाइल परीक्षण तो पूरी तरीके से फेल्ड हो गए, जिसमें पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल शाहीन 3 और अबाबिल जैसी परमाणु मिसाइलें भी शामिल हैं। हाल की रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी 700 किलोमीटर वाली मिड रेंज की बैलिस्टिक गौरी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने का भी ऐलान किया है, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि पाकिस्तान की इस मिसाइल का परीक्षण सफल हुआ भी है फिर नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने किसी भी परमाणु मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है। लेकिन अब अचानक से एक ही महीने में पाकिस्तान ने तीन परमाणु मिसाइलें दाग दी और पाकिस्तान की इन परमाणु मिसाइलों को दागने में चाइना का एक बड़ा हाथ है। अब चाइना को इसी बात की सजा मिली है। अब आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि अमेरिका ने चाइना की तीन बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये कंपनियां पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों के कंपोनेंट्स को सेल कर रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि आखिर अमेरिका ने चाइना की इन तीन बड़ी कंपनियों को प्रतिबंधित क्यों कर दिया। दरअसल इस समय अमेरिका और रशिया मिलकर भारत और अमेरिका के दुश्मन देशों को मिसाइल टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रशिया अमेरिका के कट्टर दुश्मन नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और जब से नॉर्थ कोरिया के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM मिसाइल आई है, तभी से वो अपनी ICBM मिसाइल के दम पर अमेरिका को भी परमाणु हमले की धमकियां दे रहा है। अब ऐसे में अगर भिखारी पाकिस्तान जैसे देश के पास भी बैलिस्टिक मिसाइलों की एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, किसी भी ICBM मिसाइल का परीक्षण कर दिया, तो वो भारत के साथ साथ दुनिया भर के सभी देशों को परमाणु हमलों की धमकियां देगा, क्योंकि इसका जीता जागता एग्जांपल आप लोगों ने रिसेंटली देखा था जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को $5 बिलियन का ऑफर दिया था कि पाकिस्तान अपने परमाणु परीक्षण रोक दे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और भारत के परमाणु हथियारों का जवाब देने के लिए उसने परमाणु परीक्षण कर दिया। अब ऐसे में सोचो कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के पास ICBM जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें आ गई, तो वो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के साथ साथ भारत को भी परमाणु हमले की धमकी देगा। इसलिए अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान का खेल खत्म करने के लिए चाइना की इन तीन कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।